बोकारो में भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ ने बोकारो इस्पात संयंत्र के NGCS यूनियन की राजनीति के खिलाफ किया बैठक। बोकारो जिला को इस्पात के क्षेत्र में पूरी दुनिया से सम्मान दिलाने वाला भारत रत्न से सम्मानित बोकारो इस्पात संयंत्र के मजदूर सहित यहां के वैसे विस्थापित जिनकी जमीन प्लांट को बसाने में गई, साथ ही इस्पात संयंत्र के कर्मचारी के आश्रित अनगिनत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं प्लांट में NGCS से ताल्लुकात रखने वाले यूनियन के नेताओं की राजनीति के कारण विस्थापित आश्रित एवं प्लांट के मजदूर को भ्रमित किया जा रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र प्लांट में कुल 49 यूनियन है, जिनमें 11 यूनियन के लोग प्लांट यूनियन का चुनाव कराना चाहते हैं। 350 आश्रित रोड पर हैं। नियोजन देने की प्रक्रिया 4 साल से रुका हुआ है। हमारी यूनियन 2010 में पारित सर्कुलर को खत्म कर देना चाहती है। हम आश्वासन नहीं काम पर विश्वास करते हैं। उपयुक्त बातें भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रेम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा। इस बैठक में उनके साथ यूनियन के कर्मचारी अध्यक्ष अश्विनी पांडे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बैठक का संचालन अजय कुमार झा ने किया। इस बैठक के दौरान सैकड़ों की संख्या में मजदूर, विस्थापित और आश्रित भी उपस्थित थे। सभी उपस्थित लोगों ने अपनी समस्याओं को बारी बारी से यूनियन के सामने रखा और अगली यूनियन की रणनीति क्या होगी इन विषयों पर गहन चर्चा किया। न्यूजीलैंड के लिए बोकारो से ब्रिजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। BSL के द्वारा और कथित NGCS नेता के द्वारा ठगे जा रहे हैं। इन्हें बरगलाए आज देखें 350 आश्रित रोड पर हैं, जिनको कहा गया था आप अप्रेंटिस करो, अप्रेंटिस के बाद हम आपको नियोजन देंगे। नियोजन देने का प्रक्रिया पिछले 4 साल से रुका हुआ है और उसके कारण क्या हुआ कि आश्रित का उम्र की सीमा 35 साल से पार कर गया, जिसके कारण प्रबंधन उसको लेने में असमर्थता जाहिर कर रही है, जिसको यहाँ के नेता आज भी कह रहे हैं NGCS नेता लोग, हम आपको नियोजन दिलाएंगे। हम सेल में उच्च स्तरीय बात कर रहे हैं। 2010 के बाद आपको यदि यही इतना ही इनको लेने का मन था, इनको सही रूप में आशीष समझने का मन था, तो ये सर्कुलर आपने 22/2010 को क्यों पारित किया? आज भी आप लोग चारों NGCS नेता और प्रबंधन मिलकर इस सर्कुलर को कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, तो जितने भी बाहर 350 आश्रित बैठे हैं, विस्थापित बैठे हैं, आप नियोजन दे सकते हैं। विस्थापितों को ठगने का काम उनका नेता करते हैं, वो लोग लिस्टिंग प्रक्रिया अपनाते हैं, जबकि छोड़ देना चाहिए विस्थापित और आश्रित। जो तेज होगा नियोजन आएगा, आज उसका है बारी बारी होना चाहिए, लेकिन विस्थापितों में एक ट्रेंड बन गया है कि हम लिस्ट देंगे, आपका नियोजन कराएंगे, ये भ्रमित करने के काम यहाँ का नेता कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ उनके अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, उनके संज्ञान में इस सारी चीज को मैंने दिया है। हमारी कार्यकारी अध्यक्ष श्री अश्विनी पांडे जी, इनके संज्ञान में भी है। हम लोगों ने सभी मिलकर के ये फैसला लिया है कि प्लांट हित में, विस्थापितों के हित में, आश्रितों के हित में एक आंदोलन करेंगे। और हम लोग आश्वासन में विश्वास नहीं रखते हैं, कार्य करने में विश्वास रखते हैं। आश्वासन देने की मंशा औरों के है, जिनका काम ही है धोखा देना। डिलीवरी के लिए संपर्क करें रामगढ़ और बरका कना के लिए 7870893999। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है।